कोर्ट में जो फीस बढ़ोतरी को लेकर के आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं के बीच जो है काफी आक्रोश नजर आ रहा है। वही हमारे साथ बहुत से ऐसे अधिवक्ता मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंदोलन जो है जारी था। हम इन लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे फीस बढ़ोतरी को लेकर के जो है काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसलिए ना कि देखिए हम लोग अपना ही आवाज नहीं उठा रहे, गरीब जनता का आवाज उठा रहे। जो सिविल केसेस में जो यहाँ फीस 50,000 लगती थी, वहाँ 5 गुना बढ़ोतरी के साथ 2.5 लाख 3 लाख रुपया लगेगा। तो आज जमीन का कोई भी विवाद होगा तो उसमें आज फीस मतलब कोई भी डर से कोई केस करने नहीं आएगा कि भाई फीस बढ़ोतरी इतनी हो गया है, वो केस लड़ना छोड़ देती करेगा। फिर माफियाओं के पास जाएगा और माफियाओं के साथ बीच में सेटलमेंट होगा और सबका जो है अपना जमीन छिना जाएगा या अति हो जाएगा, जिसके पास पैसा रहेगा उसकी जमीन हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप लोगों में कल बैठक भी थी, क्या कुछ निर्णय लिया गया था? कल बैठक नहीं हुआ था, कल है सो 8 तारीख को स्टेट बार काउंसिल का जो मेंबर है वो है सो तमाम पूरे झारखंड का जितना बार एसोसिएशन है सबका बैठक बुलाया गया है। अगर बैठक कल होता है तो आगे का जो रणनीति तैयार होगा उसके अनुसार से फिर आगे का जो होगा रणनीति आगे के अनुसार उसको कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग मेन हम लोग का मांग है कि जो कोर्ट भी वृद्धि स्टाम्प में वृद्धि किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, उसमें है कि जो प्लेंटिव था पहले 50,000 रुपया है ना, उसको बढ़ा के 3 लाख रुपया कर दिया है। अब क्या किया, जो प्लेंट था जो वादी था, वादी उसको देता था पहले 50,000 रुपया, लेकिन अब उसको 3 लाख कर दिया। उसमें एक और जोड़ दिया गया है कि जो डिफेंडेंट जवाब देगा, WS जो देगा, प्रत्येक डिफेंडेंट को 50,000 3 लाख रुपया जमा करना होगा, तब जाके आप केस लड़ सकते हैं, वरना केस नहीं लड़ सकते। क्या लगता है हाईकोर्ट, आप लोग जो चाह रहे हाईकोर्ट उस निर्णय को बदल पाएगी? हाईकोर्ट को नहीं निर्णय लेना है, कोर्ट में वृद्धि स्टाम्प के अगेंस्ट में सरकार को निर्णय लेना है, सरकार को वापस करना है। सरकार बदल पाएगी इस निर्णय को? हम लोग उसी को तो मांग कर रहे हैं, झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो स्टाम्प वृद्धि हुआ है उसको वापस ले। क्या लगता है अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती तो आगे की रणनीति जो है आप लोग की क्या होगी? हम लोग का होगा जो स्टेट बार काउंसिल का आएगा सजेशन, जैसा वो आदेश देंगे स्टेट बार काउंसिल, उसके अनुसार से आगे का कार्रवाई हो प्रत्येक बार एसोसिएशन करेंगे। शंकर कुमार शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य, रांची जिला बार एसोसिएशन। तो जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और भी सारे वकील सब जो है यहाँ पे मेल लगाकर सारे लोग जो है जमा है और सरकार से अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने पहले ही ये बात बोला था कि सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट करके कोर्ट फी में इन्हांसमेंट किया गया और पुनः उसमें संशोधन करके जो आँख में धूल झोंकने का काम किया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरानी कोर्ट फी जो पहले लागू थी उसी को पुनः लागू किया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, हमारे लिए जमीन उपलब्ध कराया जाए, हमारे लिए जो इलाज का है उसका प्रोविजन जो आयुष्मान भारत है उसके साथ जोड़ा जाए, हम लोगों के लिए जो और प्रिविलेज है जो मूलभूत सुविधाएं होती है अधिवक्ताओं के लिए जो सभी को दी जाती है वो अधिवक्ताओं को मिले, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, पूरे झारखंड में बार एसोसिएशन के लिए बिल्डिंग नहीं है वो बिल्डिंग बना के हम लोगों को दे, महिलाओं के लिए शौचालय दे और मूलभूत सुविधा जो है वो दे, और सबसे ज़रूरी जो आम जनता से बात है वो जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग के लिए लागू करे और कोर्ट फीस में जो इन्हांसमेंट किया गया है उसको तत्काल वापस ले। जी मैं संजय कुमार विद्रोही, मीडिया प्रभारी, झारखंड स्टेट बार काउंसिल, महासचिव, रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।